प्रकाश नगर, कोयला और बालू कारोबारी पवन सिंह। 18 की टीम इस वक्त में जयप्रकाश नगर पहुंची है और ये सामने देखिए गौरी निवास, यानी ये बबन सिंह का निवास है और ये जो आलिशान बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में बबन सिंह रहते हैं। लेन नंबर 8 है जयप्रकाश नगर का। अभी जो जानकारी मिल रही है कि बबन सिंह इस वक्त में धनबाद में नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त में हम जिन 6 व्यवसायियों के घर पे गए उसमें से एक व्यवसायी का बिल्कुल अता पता नहीं चल पाया था और जो 5 ठिकाने हमें मिले इसमें से कोई भी व्यक्ति इस वक्त में धनबाद में नहीं मिला। तो एक बात साफ है कि धनबाद से ये पूरा जो है कुनबा जो है धनबाद का एक बड़ा सिंडिकेट बिहार के राबड़ी देवी के प्रकरण से जो इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है उससे जुड़ा हुआ है और ये अब ईडी और सीबीआई के जांच से ही पता चल पाएगा कि ये करोड़ों की हेराफेरी क्यों, कब और कैसे हुई। अभी हाल ही में राबड़ी देवी के खाते में जो 1.5 करोड़ की रकम जमा हुई वो इन्हीं 8 बालू, कोयला और शराब कारोबारियों की कंपनियों के खातों से हुई। इसी बैंक डिटेल के आधार पर एसआईटी इस जांच में जुट गई है कि इन सभी कारोबारियों का राबड़ी देवी और सुभाष से क्या रिश्ता है। पटना से रजनीश और धनबाद से अभिषेक, ईटीवी न्यूज। यानी पहले सीबीआई चारा घोटाले को लेकर लगातार शिकंजा कस रही है, फिर ईडी, आईटी, अब एसआईटी और दूसरी तरफ सीएजी मिट्टी घोटाले की जांच कर रहा है। जाहिर तौर पर लालू परिवार बड़ी मुश्किल में घिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ पटना से रजनीश जुड़े हुए हैं और साथ ही धनबाद से फोन लाइन पर अभिषेक जुड़े हुए हैं। मैं अभिषेक सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज इस वक्त क्या अपडेट है? आज दिन भर जो कुछ पूछताछ हुई पुंज सिंह से और जो वहां पर रेड डाली गई, अब अभी दिन भर का अपडेट क्या है? अभी तक जो जानकारी मिली है पुंज सिंह ने स्वीकार किया है कि उनका जो है ताल्लुकात सुभाष यादव से है, क्योंकि उनकी जो कंपनी है ब्रॉडसन उसमें वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर में है। तो ये बात उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि धनबाद के जो भी कारोबारी है जिनका नाम सीएनएन और ईटीवी एक्सक्लूसिव दिखा रहा है चैनल के माध्यम से, अपने एसोसिएट चैनल भी दिखा रहे हैं और अपने ईटीवी न्यूज ने जिस मामले का खुलासा किया है, साफ तौर पर कहे तो ये पूरे मामले में एसआईटी आज जिस मामले की जांच कर रही है उसमें पुख्ता प्रमाण मिला है धनबाद के व्यवसायियों द्वारा राबड़ी देवी के खाते में जो पैसे भेजे गए थे उसकी भी जानकारी मिली है। साथ ही साथ जो कोयला के कारोबार में जो वहां खेल चल रहा था उस पर भी एसआईटी को काफी कुछ अहम जानकारी मिली है।